हेलो बच्चों, एक और क्रियाकलाप के लिए मैं आपके साथ हूँ। इस क्रियाकलाप में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव को देखेंगे। इसमें हम यह देखेंगे कि जब दो विलयन को मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। इसके लिए देखिए, हमारे पास इन दो परख नलियों में सॉल्यूशंस हैं। इसमें है सोडियम सल्फेट का विलयन यानी कि Na2SO4, जहाँ सोडियम जो है वो धनायन के रूप में और सल्फेट ऋणायन के रूप में है। बिल्कुल इसी तरह से यह है बेरियम क्लोराइड का विलयन BaCl2, जहाँ जो बेरियम है वो धनायन के रूप में और क्लोराइड ऋणायन। जब हम इन दोनों विलयन को मिलाएंगे तो यह देखेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हमें कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा। शुरू करते हैं। यह है हमारा सोडियम सल्फेट का विलयन। इसमें बेरियम क्लोराइड के विलयन को हम मिलाते हैं तो हम सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को धीरे धीरे डाल रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर सफ़ेद रंग का ये अवक्षेप दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं क्या है? यह है बेरियम सल्फेट। जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया तो बेरियम सल्फेट ऋणायन के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट का ये अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का यह अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ और इस रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो आप यहाँ देख सकते हैं।